आप सबका ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में स्वागत है। आज हम जिसका विश्लेषण करने जा रहे हैं उसे मोदी सरकार का कवच भी कहा जाता है। अरे नहीं भाई, तुम नहीं हो, तुम रहने दो, तुम्हारा नंबर भी लगा ही हुआ है लिस्ट में। वैसे किसी ने कहा था, मित्रों अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन? अब आपके अच्छे दिन आए हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर गोदी एंकर्स के बुरे दिन जरूर चल रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा पुराना है, पर हमें भी गोदी मीडिया से सीखना चाहिए कि आज के संगीन मुद्दों पर बात नहीं करें, बल्कि पुरानी बातें निकालें। वैसे दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो बरसों तक जिए और उसकी उम्र बहुत लंबी हो। आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। आपके जन्मदिन पर जो आशीर्वाद या शुभकामनाएं मिलती हैं वो भी यही होती है कि आपको भगवान और लंबी उम्र दे। और इन सब में सबसे पहले नाम आता है सुधीर चौधरी का, जो आज क्या हो रहा है इंडिया में कभी नहीं बताएगा आपको, पर पिछले 50-70 साल पहले क्या हुआ था, किसने क्या किया था, उस पर जरूर फोकस करेगा। तो हमने सोचा है कि आज हम भी जरा इनके सुनहरे पलों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अरे रुको जरा, सबर करो। मैं पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? दी इशू गजब बेइज्जती है। ये पल था जब बीजेपी सरकार की एक मंत्री स्मृति ईरानी ने नेशनल टीवी पर सुधीर चौधरी की ऐसी बेइज्जती करी कि उसका मुंह उतर गया था, आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? वैसे स्मृति ईरानी ने जो कहा वो गलत तो था, नो डाउट, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर झूठ नहीं था, 100% सच था। मगर ऐसे नेशनल टीवी पर, और तब जब सुधीर चौधरी ने 9-10 साल में एक ढंग की और सच्ची बात करी थी। वैसे क्या ही फायदा हुआ सुधीर चौधरी का इतना मक्खन लगाने का, जब उन्हीं की मंत्री मैडम ने उनकी इज्जत का नेशनल टीवी पर फालूदा कर दिया। मैडम तो इतने अहंकार में रहती है कि वो भूल ही जाती है कि सामने वाला तो उन्हीं का आदमी है। बताओ जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि सुधीर चौधरी अपने कई इंटरव्यू में बोलता रहता है कि हमने सच दिखाकर लोगों की नींदें हराम कर रखी हैं। पर सुधीर चौधरी को जरा कोई बताए कि नींद तब हराम होती है जब अपना ही कोई आकर सरेआम तिहार से रिटर्न बोल जाए, थोड़े दिन कम कर दिया जाए। आप शायद ट्रिवलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा, नहीं मैं ट्रिवलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूं ये ट्रिवलाइजेशन हो जाएगा। इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, व्हाट अबाउटरी नहीं है, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूं सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? अब सुधीर चौधरी ने सिर्फ बढ़ते हुए टमाटर के दामों पर ही तो जवाब मांगा था सिलेंडर माता से, पर वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बताओ भला कोई कैसे इतना सिंपल सरल क्वेश्चन पूछ सकता है स्मृति ईरानी से कि क्या टमाटर के दाम बढ़ने से आपके घर में भी चर्चा होती है? वैसे आपको याद दिला दे, ये वही सुधीर चौधरी है जिन्होंने पाकिस्तान के टमाटर के रेट 300 पार होने पर बहुत बड़ी न्यूज़ बना दी थी, लेकिन जब अपने देश में टमाटर महंगा हुआ तो उसके बारे में एक छोटा सा 5 मिनट का सेगमेंट भी करना ज़रूरी नहीं समझा। अब 9 साल से मोदी टॉनिक पीते आ रहे हैं ये गोदी एंकर्स, तो एक दिन अचानक से दवा का असर कम होता है और सुधीर चौधरी असली मुद्दे की बात कर बैठा, वो भी स्मृति ईरानी से, जो आखिर में उन्हीं को महंगी पड़ी। सुधीर चौधरी अपने शो में बड़े गर्व से बता रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया में बढ़ती महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या एज अ पत्रकार इसका फर्ज नहीं बनता है कि ये भी अपने देश के लोगों को यहाँ बढ़ती महंगाई से रूबरू कराए? ये सुधीर चौधरी जो अपने आप को सच्चा देशभक्त बताता है, उससे बस कुछ ही सवाल पूछने हैं कि जब स्मृति ईरानी ने उसे तिहाड़ जेल की बात याद दिलाई तो क्या वो स्मृति ईरानी से नहीं पूछ सकता था कि आप हमेशा असली मुद्दे की बात को बदल कर राहुल गांधी पर क्यों लेकर आते हैं? कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ।
मुझे कोई आपत्ति नहीं, जब नहीं। जब आप तक बात आती है तो फिर आप मैं बिल्कुल तैयार हूँ और ये मेरी शालीनता है। नहीं बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि एक पुरुष ने किस प्रकार से क्या फ्लाइंग किस किया, वो आपकी शालीनता का दर्पण आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। पूछना चाहिए था कि राहुल गांधी की एक कथित फ्लाइंग किस से उनको इतनी आपत्ति हो गई थी कि उन्होंने FIR तक करा दी, जबकि उसी वीडियो की एक फुटेज से ये भी साबित हो गया था कि राहुल गांधी का मुंह तो स्मृति ईरानी के उल्टी दिशा में था। क्या सुधीर चौधरी को स्मृति ईरानी से नहीं पूछना चाहिए था? क्या कभी आपको धरने पर बैठी महिला पहलवानों का दर्द महसूस हुआ है? चलो ये पूछना तो छोड़िए कि महिला पहलवान का दर्द पूछा कि नहीं, पर ये तो पूछना था कि आरोपी सांसद के साथ खड़े होकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई फोटो खिंचवाने पर? क्या सुधीर चौधरी को नहीं पूछना चाहिए था कि क्या कभी उन्होंने मणिपुर की लड़कियों की हालत जानने की कोशिश भी करी? चलिए ये सब तो असली मुद्दे की बात है, ये तो शायद ही कोई गोदी मीडिया कभी किसी से पूछे, पर सुधीर चौधरी को स्मृति ईरानी को ये बात तो ज़रूर याद दिलानी चाहिए थी कि कैसे जब अर्णब गोस्वामी को जेल में भेजा गया था उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर अपने समर्थन दिखाए। आज वही स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी के तिहार से वापस आने पर उनको ऐसे बोल रही है, इतना भेदभाव क्यों स्मृति ईरानी? आज गोदी मीडिया ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है कि जब तक करे मोदी मोदी तो सब भला चंगा, सब ठीक है, पर जहां एक बात उनके खिलाफ करी तो आप कौन भाई साहब या दीदी, आप कौन? सिंपल वर्ड्स में कहें, गोदी एंकर्स तब तक ही सगे हैं सरकार के जब तक उनके मुंह लगे हैं, और उसके बाद तो कोई नहीं जानता कि इनका क्या होगा। पर एक सवाल तो हर कोई उनसे पूछना चाहेगा, स्मृति ईरानी जी 2014 से पहले तो आप ज़मीन पर सिलेंडर के साथ पड़ी रहती थी और आज सिलेंडर के साथ एक फ़ोटो भी नहीं खिंचवाती हैं, क्यों? आखिर क्या वजह है इसकी? वैसे शायद राहुल ऑब्सेशन में इतना बिजी हो गई है कि सिलेंडर याद ही नहीं रहता होगा सिलेंडर देवी जी को। आज सुधीर चौधरी को पूरा देश देख रहा है, उनके शो ब्लैक एंड वाइट की वजह से नहीं बल्कि उनकी खोखली ब्लैक पत्रकारिता की वजह से, जहां वाइट यानी पीस शांति की तो शायद ही कोई उम्मीद बची है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।